नमस्कार, आपका बी न्यूज पर स्वागत है। बी न्यूज लगातार बता रहा है भारत के हर जिले का इतिहास। ललितपुर महाराजा सुमेर सिंह की धर्मपत्नी ललिता देवी के नाम पर जनपद का नाम ललितपुर पड़ा। ऐसा मानते हैं कि महाराज सुमेर सिंह को तालाब में स्नान करने पर चर्म रोग से मुक्ति मिली और फिर उन्हीं के नाम पर तालाब का नाम सुमेरा तालाब पड़ा। ललितपुर को 1974 में जिले का दर्जा प्राप्त हुआ। ललितपुर उत्तर प्रदेश में एक जिला है जो झांसी डिवीजन का एक हिस्सा है। ललितपुर मुख्य शहर और प्रशासनिक मुख्यालय है, जिसका भौगोलिक क्षेत्र लगभग 5,039 वर्ग मीटर है, अथवा जनसंख्या 2011 जनगणना के अनुसार 977,447 है। ये माना जाता है कि पहले ललितपुर चंदेरी का एक भाग था, जिसे 17वीं सदी में एक बुंदेला राजपूत ने खोजा था। 18वीं सदी में बुंदेलखंड के साथ चंदेरी राज्य मराठा योद्धा के नेतृत्व में आ गया, लेकिन जल्द ही 1811 में इस पर ग्वालियर के राजा दौलतराव सिंधिया ने कब्जा कर लिया। 1844 में चंदेरी के राज्य को अंग्रेजों को सौंप दिया गया, जो ब्रिटिश भारत का चंदेरी जिला बन गया, जिसका जिला मुख्यालय ललितपुर था। 1857 के विद्रोह में ब्रिटिशों ने ये राज्य खो दिया, परंतु 1858 तक ब्रिटिशों ने इस राज्य पर दोबारा कब्जा कर लिया, अथवा इसका पुनः नामकरण कर दिया ललितपुर के नाम से, अथवा ये झांसी जिले का हिस्सा बना दिया गया। 1891 से 1974 तक अंततः वर्ष 1974 में ललितपुर एक स्वतंत्र जिले में तब्दील हो गया, जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित एक हृदय के आकार का जिला है। ये जिला पूरी तरह से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, अथवा पूर्वोत्तर दिशा में से उत्तर प्रदेश के झांसी मंडल से जुड़ा हुआ है। जनपद ललितपुर ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक पर्यटन का एक अनूठा स्थल है। यहाँ एक और सात बड़े बांध जलाशय है। वहीं गुप्त काल से लेकर 18वीं सदी तक के विभिन्न मंदिर यहाँ हैं। ऐसे ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्व के विभिन्न स्थलों की संख्या 68 है। इसके साथ ही जनपद ललितपुर में वन क्षेत्र है। ललितपुर एक समय के पर्यटन का महत्वपूर्ण केंद्र है। पर्यटन के दृष्टिकोण से सबसे धनी जनपद ललितपुर की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ ऐतिहासिक काल के अनेक स्थान हैं, पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अनेक जैन मंदिर जो पुरातत्व एवं अन्य दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। देवगढ़ में गुप्तकालीन से लेकर 18वीं सदी चंदेलकालीन तक अनेक कलाकृतियां हैं। ये जनपद सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पर्यटन तथा प्राकृतिक दृष्टि से एक अनूठा स्थान है। जनपद में लोककला, मूर्तिकला, सांस्कृतिक कार्यक्रमों की विभिन्न विधाएं प्रचलित हैं, जिनमें राई सरा आदि प्रमुख विधा है। यहाँ एक और सात बड़े बांध जलाशय है। माता टीला, राजघाट, शजनम, रोहिणी, शहजाद, जामनी एवं गोविंद सागर है। वहीं पर गुप्तकाल से लेकर 18वीं सदी तक के विभिन्न मंदिर हैं। ऐसे ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक स्थलों की संख्या 68 से अधिक है। इसके साथ इस जनपद में वन क्षेत्र, गुप्तकालीन, देवगढ़ मंदिर, महावीर वन्य विहार आदि मौजूद है। 4वीं से 5वीं सदी के गुप्तकालीन मानव निर्मित गुफा चित्र, नहर घाटी, राजघाट एवं बेतवा नदी पर स्थित टापू प्राकृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में प्रसिद्ध जैन मंदिर वाराह मंदिर पर दशावतार मंदिर भी प्रमुख है। ललितपुर की वर्तमान स्थिति, अगर हम ललितपुर की वर्तमान स्थिति की बात करें तो आज ललितपुर जिले का भारत में पहला स्थान है, जहां बांधों की संख्या लगभग 15 है, जो किसी भी जिले में नहीं है। और एक गोविंद सागर बांध ऐसा है जिसमें 3 साईं बांध मौजूद हैं, जो केवल भारतवर्ष के 3 बांधों में से एक है। यहाँ पर विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है और यहाँ पर खनिज संपदा की कोई कमी नहीं है। ललितपुर से निकला ग्रेनाइट का पत्थर बाहर विदेशों में जाता है। यहाँ पर ऐतिहासिक स्थल है जो अपने आप में एक अद्वितीय है और वीरों की गाथा सुनाते रहते हैं। यहाँ पर तालबेहट में भारतगढ़ दुर्ग राजा मर्दन सिंह की वीर गाथा सुनाता है, तो वही मानसरोवर झील पर्यटकों को दूर से ही लुभाती को में एकता का प्रतीक प्रसिद्ध तुवन मंदिर और ईदगाह के बीच की एक दीवार है, जो मंदिर और मस्जिद को आपस में जोड़ती है। कैसे आए ललितपुर रेलवे स्टेशन दिल्ली मुंबई रेल लाइन पर है, जहां कई ट्रेनें रुकती हैं और भोपाल सागर, टीकमगढ़ तथा झांसी से सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है।